हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज फीस से रिलेटेड हो, आपके लास्ट डेट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। और जिन भी बच्चों को, याद रखना, अगर हरियाणा में बीटेक में एडमिशन लेना है या बीटेक लीड में लेना है या बी फार्मा में लेना है, डिप्लोमा में लेना है, अगर आपको टेक्निकल कुछ भी करना है और अगर सिविल वर्ल्ड के चैनल पे पहली बार जुड़े हो, तो चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम छूटे ना और कोई भी ऐसा अपडेट है नहीं जो आपको मैं नहीं बताऊंगा। आने वाले टाइम में अगर आपका एडमिशन हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, केयूके में हो जाए, एमडीयू में हो जाए, डीक्रस्ट में हो जाए, वाईएमसीए फरीदाबाद में हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, सबका अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। तो अभी के जो अपडेट है, कई बच्चों के मन में था जो सर हरियाणा बीटेक और बीटेक लीड का जो फॉर्म है वो कब आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस हफ्ते में एक ना एक फॉर्म 100% आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटेक्निक को छोड़ के बता रहा हूं, या तो ये बीटेक का अपडेट देंगे, जहां तक मुझे लग रहा है जो आज का जो अपडेट है मैं उस अपडेट के अकॉर्डिंग बता देना चाहता हूं। अब आप लोग ऐसे समझिए, आपका जो फॉर्म है वो कमिंग सून में है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है, जो हरियाणा के 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आ गया और जो बच्चे अभी सीबीएसई के हैं उनका भी रिजल्ट आने वाला है, और जो अदर स्टेट के उनके भी अक्सर के जो रिजल्ट आ गए। अब जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं आए, अब उनके मन में होगा सर अब फिर अब हम फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। अरे यार, मैंने स्टार्टिंग डेट की बात की, लास्ट डेट की बात किया है क्या सर ने? बिल्कुल कोई लास्ट डेट नहीं बताया गया। अभी पॉलिटेक्निक वालों का लास्ट डेट बताया, अभी डिप्लोमा वालों का कोई लास्ट डेट बीटेक वालों का नहीं आया है, यहाँ तक कि स्टार्टिंग डेट भी नहीं है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मैं अंदर के सूत्रों से आपको बता देना चाहता हूँ, जो इस वीक के अंदर, मान लीजिए 5 से 7 दिन के अंदर, आप सभी बच्चों को हरियाणा लीट का भी नोटिफिकेशन दिख जाएगा, मतलब किस बेस पे एडमिशन होना है, क्या होना है, कैसे होना, क्योंकि सर तो स्टार्टिंग से बता रहे परसेंटेज बेस पे होना है, वही रियलिटी और उसी बेस पे होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक आप रियल नोटिफिकेशन नहीं देख लेते, मेरी बातों पे भरोसा मत करिएगा, लेकिन मैं आपको कोई भी न्यूज बेटा बिल्कुल रियली देता हूँ, आप सभी बच्चे सारी न्यूज जाके देख सकते हो। अब कई स्टूडेंट के इसमें क्वेश्चन होंगे, सर कमिंग सून, अरे यार जो 2024-25 में जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, जो फॉर्म है वो कभी भी आ सकता है, या फॉर्म आए या फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन इस वीक से 5 से 7-10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कई बच्चों के मन में सर कंप्लीट प्रोसेस क्या है? देखो बेटा, अभी तक जो है, अगर आप हरियाणा से बीटेक करना चाहते हो, कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 12th के बाद करेंगे तो आपका बीटेक 4 साल का है, तो उनके मन में यह है सर हमारा एडमिशन होगा कैसे, हमें एंट्रेंस देना। मैं हर वीडियो में कहता हूं बेटा, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं देना तो सर फिर एडमिशन कैसे होगा। जो आपके 12th के परसेंटेज है, जिन बच्चों को 12th बेस पे करना है, प्लस अगर आपने जेईई मेंस दिया है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको 12th बेस पे एडमिशन होगा। अब मान लो कई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जेईई मेंस दिया ही नहीं, जो जेईई मेंस के पेपर में बैठे ही नहीं, अब उनके मन में होगा सर क्या हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? सिविल वर्ल्ड रहते आप लोग फॉर्म अप्लाई ना कर सको, ऐसा हुआ है क्या? बहुत सीटें है, इतने भड़बड़ के सीटें है बेटा कॉलेज में, बच्चों की कमी पड़ जाएगी अब की बार, मैं सच्चा बता रहा हूं। तो आप लोग अगर 12th भी कर रखे हो हरियाणा से या आउट ऑफ हरियाणा से, और अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब समझ लो 70+ है या 60+ है, और मेरे से जुड़े हो, तो 100% आपका एडमिशन होगा। अरे यार, कई बच्चे बोलेंगे सर काउंसलिंग में नाम ना है, आपको एडमिशन से ही मतलब है ना? मैं बता दूंगा, हाँ भाई ऑफलाइन कैंपस में कब हो रहा है काउंसलिंग, पहुंच जाना, मेरे से बात करवा देना, यू एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारा अपडेट है। अब कई बच्चों के मन में होगा सर आप बताइए, जो बच्चे लीट वाले हैं उनको एंट्रेंस देना, अरे यार आप डिप्लोमा वाले बच्चों आपको किस बात का, जब 12th बेस पे नहीं ये ले रहे एंट्रेंस तो आपका क्यों लेंगे भाई? आपके लिए भी सिंपल कॉन्सेप्ट समझो सर, क्या आपके जो 12th के जो आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के जो आपके मार्क्स है, जो परसेंटेज, उसी परसेंटेज पे आपका भी एडमिशन होना। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 100 में से 95% लाया, वाईएमसीए पढ़ा है, अब मान लो कोई 85+ लाया है, अरे भाई आपके लिए डीक्रस्ट मुरथल है, और भी कम परसेंटेज लाया हो और भी कॉलेज है, कॉलेज कई है, सीट भी कई है, बस बच्चे थोड़ा ध्यान से अपने परसेंटेज को लेकर ज्यादा काम करो, क्योंकि परसेंटेज बेस पे ही आपका एडमिशन होना है। अब कई बच्चों के क्वेश्चन होंगे सर फॉर्म अप्लाइंग डेट क्या है? फॉर्म इज कमिंग सून है, जब आपका फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा सर सारी डिटेल बता देंगे। अभी किसी भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बस आप लोग अभी डिप्लोमा वाले बच्चे अपने डिप्लोमा के परसेंटेज बढ़ाने पे लगो, और 12th वाले बच्चे जब तक फॉर्म नहीं आ जाता थोड़ा एंजॉय कर लो, घूम फिर लो, जाओ सब जगह से घूम फिर के आओ, फिर हम अपने एडमिशन की बात करेंगे। ये सारा अपडेट था, क्योंकि देख रहा हूं मैं 1-2 दिन से काफी बच्चों के काफी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बच्चों को प्रोवाइड कर दूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ही खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ।
जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।